पौड़ी में गणेश महोत्सव सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए, जो कि देवप्रयाग से शुरू होकर पौड़ी के प्रमुख मार्गों से होते हुए लोअर बाजार में समाप्त हुई, जहां श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमा की स्थापना की, जिसके बाद गणेश जी की आरती कर पूजा अर्चना की गई। वहीं समिति के सदस्य संदीप वर्मा ने बताया कि आगामी 9 सितंबर तक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और 10 सितंबर को झांकियों के विसर्जन के लिए देवप्रयाग ले जाया जाएगा। पौड़ी से संवाददाता मुकेश बसेती की रिपोर्ट। ये लोअर बाजार में गत वर्षों की भांति हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम किया जाता है। इसमें 2 साल से कोरोना के कारण ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था। अब ये आज से शुरुआत है इसकी और ये प्रोग्राम 10 तारीख तक चलेगा। यहाँ पे 10 दिन का प्रोग्राम है। 10 तारीख में ये देव मूर्ति यहाँ से देवप्रयाग जाएगी और देवप्रयाग में इसका विसर्जन किया जाएगा।